नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। आरोप प्रत्यारोप समझौतों मान मनुहार के बीच चाचा शिवपाल ने घोषित कर दिया कि भतीजे अखिलेश से उनकी राह जुदा होगी। समाजवादी पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज हैं शिवपाल यादव। हालांकि पार्टी में सम्मान न मिलने की शिकायत सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी की है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पार्टी है, कई बार शासन में रह चुकी है, लेकिन पारिवारिक विघटन ने इसे 2017 में दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले की घटनाक्रम से ही तय हो गया था कि समाजवादी कुनबे में सब ठीक नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद 2019 के आम चुनाव में गठबंधन का सहारा ढूंढ रही पार्टी के लिए शिवपाल यादव का यह निर्णय कितना बड़ा झटका है, इस पर बात करेंगे। साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जगदेव यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी और वरिष्ठ पत्रकार रंजीव कुमार जी। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बात सबसे पहले हम जगदेव जी आपसे ही शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी का विषय है ये आंतरिक मामला है, लेकिन आंतरिक मामला इसलिए नहीं रह जाता जब कोई पार्टी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती है, जनता के लिए काम करती है, तो उसके लिए जो भी कार्यक्रम है, जो उसके पार्टी के आंतरिक मामले हैं, वो भी सार्वजनिक तौर पर बहस किए जाते हैं। कितना मानते हैं कि जबकि आपकी पार्टी 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने के लिए गठबंधन करने जा रही है बहुजन समाज पार्टी से, या कि एक मजबूत आधार तैयार करना चाहती है, उस दौर में जो समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख नेता थे शिवपाल जी, दूसरी राह पकड़ लिए हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने खून पसीने से सींच करके बड़ी छोटी स्तर से लेकर के धनबाद और यहां तक पहुंचाने काम किया है। नेताजी हमेशा चाहते हैं कि वो कभी भी पार्टी में विघटन न हो, बिखराव न हो जी। पार्टी एक परिवार एक रहे, पार्टी जन एक रहे, लेकिन इस तरह की जो सामने बातें आती हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जगदेव जी, एक चीज यहाँ आपको हम थोड़ा सा रोकेंगे, ये पार्टी है या परिवार, ये थोड़ा सा परिभाषित कर दें। नहीं, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ही एक परिवार होती है और कार्यकर्ता ही परिवार होता है, बड़े स्तर पर चला जाता है। एक समाजवादी परिवार कहिए, इसको परिवार की बात मत करिए। नहीं, वही परिवार कौन वाला परिवार हो, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी एक समाजवादी परिवार है, इसमें हर कार्यकर्ता जुड़ा हो, सब हमारे परिवार के मेंबर ही माने जाएंगे जी। ये अलग से आप परिभाषित नहीं कर सकते। आप जिस सेंस में कहना चाहते हैं मैं उस सेंस को समझ रहा हूं, और ऐसी समस्याएं यही नहीं है। हाँ। आज जो हालात हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के जी, कहते सामूहिक निर्णय हम लेते हैं जी, और वहां अनुशासन बहुत है जी। उस परिवार की क्या स्थिति है, उस पार्टी की क्या स्थिति है? आज अडवाणी जी को राष्ट्रपति बनाने जा रहे थे, पूछ रहा हूं उनको। मुरली मनोहर जोशी अलग बिचारे, सवाल आपकी पार्टी से कहा है, मैंने वो किया था। नहीं, मैं इसीलिए आ रहा हूँ, जो दूसरी पार्टियों में लड़ाने काम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? इसके पीछे मूल में तो आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, आप कहाँ पहुंच रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं? अमर सिंह जी कल हमारे यहाँ थे, उनकी राजनीति पहचान बनाने का किसी ने काम किया? माननीय नेताजी ने किया है, उनको जानता भी नहीं था। वो कांग्रेस में थे, वहां क्या करते थे, यहाँ क्या करते थे, एक उनकी पहचान उद्योगपतियों के बीच में लाई जनवर करना था, यही स्थिति थी ना। ऐसे लोगों ने आकर के पार्टी में विघटन कराने काम किया है। अब वो चाहे शिवपाल जी के साथ हो, चाहे हमारे जो और परिवार सदस्यों के साथ मिलकर के खड़े किया है और पार्टी को कमजोर करने प्रयास किया है, लेकिन जनता कार्यकर्ता सब सजग है, जानता है। मैं समझता हूं नेता जी भी पूरी समझ है और इस मामले को निपाट लेंगे। अभी तक तमाम मामले आए, नेताजी सुलझाने का आपका सुलझ जाएगा, परिवार मामला है, ये स्थिति होगी नहीं। 2017 में भी परिवार सुलझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन स्थिति यहां तक आई। चूंकि आपने भाजपा का जिक्र किया है, इसलिए भाजपा के प्रवक्ता समीर सिंह जी हमारे बीच में है। प्रश्न जो खड़े किए जगदेव जी ने, समीर जी आप सुन ही रहे थे, क्या जवाब है? देखिए, मेरा इस पर दो विषय की चर्चा जरूर होनी चाहिए, आग्रह है। जगदेव जी की बातों को मैं सुन रहा था, इनको एक तो इनको एक चीज छोड़ देना चाहिए कि इनको हर चीज में भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। दूसरा, मैं इनसे जरूर ये कहना चाहता हूं कि जो शिवपाल यादव जी ने विषय उठाया और मुलायम सिंह जी ने कुछ दिन पहले लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस विषय को आगे बढ़ाया था, दोनों लोगों ने एक ही बात कही है। मुलायम सिंह जी ने कहा कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, और शिवपाल ने कहा कि मैं 2 साल से घर बैठा हूं और मेरी उपेक्षा हो रही है। मैं इसको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 2012 के चुनाव में जी।
जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। एक तो यह समाजवादी पार्टी का पूर्ण रूप से आंतरिक मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जगदेव जी का आरोप है कि पार्टी में लड़ाई काम कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ उसी विषय पर आ रहा हूँ। 2012 के चुनाव में मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शिवपाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, दोनों लोगों ने मिलके और अखिलेश यादव भी सम्मिलित थे, यूथ का कमान संभाले हुए थे, चुनाव में गए, सरकार बनी और मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। चार साल सरकार में कैसे झगड़े हुए परिवार को लेके और सत्ता के पावर को लेके, और अंतिम समय में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया, ये किसी से छुपा नहीं है। ये समाज भी जानता है, मीडिया भी जानता है, सब लोग जानते हैं। मेरा इतना जरूर कहना है कि जो आरोप शिवपाल जी और मुलायम सिंह जी ने बताया है कि साहब मेरी उपेक्षा हो रही है और शिवपाल ने कहा मैं दो साल से घर बैठा हूं, शिवपाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव जी जब समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे उससे पहले शिवपाल जी ने जिले जिले में जाके समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था जी। मेरा इसमें इतना जरूर कहना है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी के आरोप ऊपर आरोप लगाने से पहले, इनके प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से पहले एक बार अखिलेश को समाज के अंदर आके मीडिया के सामने आके मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी के बयानों को बताना चाहिए कि उनके जो बयान हैं वो सीधे अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं, उनको समाज को फेस करना चाहिए और कहना चाहिए कि इनकी जो पीड़ा है मैं दूर करूंगा। बिल्कुल, यह समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है और उस पर अखिलेश को जवाब देना चाहिए। यह कहने से काम नहीं चलेगा साहब, चुनाव आएगा, चुनाव तो आते रहते हैं, चुनाव आगे भी आया था, पहले भी आया था। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, अखिलेश यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने 2014 से लेके 12 से लेके पिछले दिनों तक 14 की विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी साफ हो गई, 2017 की विधानसभा हो गई हुआ, समाजवादी पार्टी हाशिए पे आ गई, 2018 में नगर निगम हुआ, समाजवादी पार्टी हाशिए पे आ गई। और वो कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, उनके पिता और उनके चाचा उनके ऊपर आरोप लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे जिम्मेदार है, ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के नेता। कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, पिछला 2017 का जो विधानसभा का चुनाव था समाजवादी पार्टी के साथ आपने मिलकर के चुनाव लड़ा था, जो परिणाम है सबके सामने है। अब अंतरकलह से ग्रस्त एक ऐसी पार्टी के साथ आप 2019 में भी भूमिका बना रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो जो 2017 का चुनाव था निश्चित रूप से हमने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। देखिए, वहां पर जब हम चुनाव में थे निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि समान विचारधारा के लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे थे जी। लेकिन आप देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके अन्य नेताओं द्वारा जी। किस तरीके से विभाजन की रणनीति अपनाई गई, शमशान कब्रिस्तान और दीपावली में बिजली नहीं मिल रही, ईद में बिजली मिल रही, इस तरीके की बहुत सारी चर्चाएं की गई। वो चुनाव असल में मुद्दों से हट गया। अंशु जी एक मिनट, वो चुनाव मुद्दों से हट गया। एक मिनट, दूसरा 2019 की जो बात है जी, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं अपने बीजेपी के साथी को सुन रहा था, इनकी बातों में कहीं एक बहुत प्रसन्नता भी नजर आ रही थी। देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अधिकांश राज्यों में सत्ता में है, केंद्र सरकार में है पिछले 49 महीने से जी। बराबर जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी मुद्दा है, अलग है वो। नोटबंदी मुद्दा है, संजीव गैर जिम्मेदाराना बयान से ये बात नहीं हो सकती। देखो आप जिन चीजों पर, मैं तो ये अनुरोध करूंगा कि ये न्यूज चैनल संजीव जी, मैं तो कहूंगा आप बोल रहे थे, आप मैं उसी में आ रहा हूँ, मैं उसी में जोड़ रहा हूँ, आप अपनी आपकी बात में जोड़ रहा हूँ। पूरे देश में जिस तरीके से आपको इस तरीके की टूट फूट का फायदा मिलने वाला नहीं जी, देखिए ये जो प्रसन्नता है उसका कारण यही है कि आपस में विवाद नहीं, 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 मैं प्रसन्नता मेरा मानना है कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, आप बता रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी का विषय बता ले। पहली बात तो हम अपनी बात पूरी कर ले, अपने साथी से अनुरोध है फिर आप बता जी। आप चाहे जितना प्रसन्न हो लेकिन आपको असली मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा जी। बिल्कुल, ये जो आपसी कहीं ना कहीं एक जो राजनीति में है ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
शिवपाल यादव जी ने कोई नया मोर्चे का गठन नहीं किया है। हाँ। आपको याद होगा इससे पहले भी उन्होंने मोर्चे का गठन किया था, उससे पहले जो तकरार हुई 2017 में उसके बाद वो चुनाव लड़े। तो मेरा मानना है कि मुलायम सिंह जी जब तक हैं, जब तक जीवित हैं, तब तक ये सब घटनाएं घर घर की कहानी है। और आज जो जवाब देने के बारे में बीजेपी के साथी कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं इनकी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन वो ये कहते हैं कि कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं तो नंबर क्या दें, तो मोदी जी को भी उस पर जवाब देना चाहिए। तो सवाल ये है कि पहले आप अपने आप को सही करिए, पूरे देश के लोगों के जवाब दीजिए, और इस टूट फूट से कोई गठबंधन पे आगामी आने वाले विपक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, और न भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, इसलिए अनुरोध है कि भाजपा के साथी खुश सुनना। अंशु जी एक प्रश्न छोटा सा, उसका छोटा जवाब भी हम चाहेंगे। जो कुछ भी 2017 विधानसभा चुनाव के पहले सपा परिवार में हुआ था, आपका गठबंधन हुआ, आप क्या मानते हैं कि उस अंतरकलह का कोई असर चुनाव पर पड़ा था परिणाम पर? देखिए मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, कारण यह है कि शिवपाल यादव जी चुनाव उस समय लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से, जरूर थोड़ी देर के लिए समस्याएं खड़ी हुई थी, बाद में सारी चीजें ठीक हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने बांट कर इस तरीके की राजनीति की और लुभावने वादे किए, 17 महीने बाद भी वो वादे पूरे नहीं हो पाए उत्तर प्रदेश की जनता के। ठीक, रंजीव जी लगभग जो मुख्य तीनों दल हैं उनकी बातें आप सुन रहे थे। 2019 का आम चुनाव अब बहुत दिन नहीं रह गया है, और कहीं न कहीं जो बातें निकल करके आ रही हैं, किसी भी राजनेता के रूप में, किसी भी दल के रूप में, वो भूमिका कहीं न कहीं तैयार हो रही है उसी आम चुनाव के लेकर के। शिवपाल जी साथ छोड़ दे रहे हैं समाजवादी पार्टी का, अभी तक यह प्रश्न नहीं था लेकिन अब प्रश्न उपस्थित है। खुले तौर पर उन्होंने कहा कि मेरी राहें जुदा हैं। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति पर और खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर फर्क पड़ेगा, और अखिलेश यादव के लिए चुनौती किस तरह से होंगे शिवपाल यादव? देखिए आशुतोष जी, राजनीति में चुनौतियां तो हर नेता के सामने हमेशा रहती जी। ये जो आज की जो घटना है, नहीं अपनों की चुनौती कभी कभी बड़ी होती है। मैं उसी पर आ रहा हूँ कि शिवपाल यादव ने आज जो घोषणा की है जी, मोर्चा बनाने की, सेक्युलर मोर्चा की, क्योंकि हम लोग कवर करते रहे राजनीतिक घटनाओं को, कई चीजों के गवाह रहे, ये सेक्युलर मोर्चा वो बनाएंगे ये पिछले एक साल से वो कह रहे हैं। मार्च 2017 में पहली बार उन्होंने ये बात कही थी, हमें याद है। अक्टूबर 2017 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें याद है, मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें शारदा शुक्ला जो मंत्री भी रहे अखिलेश यादव की सरकार में, उन्होंने एक कागज बढ़ाया उनकी तरफ जिसमें ये लिखा था कि नई पार्टी की घोषणा करनी है। मुलायम सिंह यादव ने वो कागज पढ़ लिया और कहा कि मैं आखिर में इसके बारे में कहूंगा, और वो आखिर कभी आया नहीं, उन्होंने उसकी घोषणा नहीं की। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो शिवपाल सिंह यादव का कदम है ये एक परिणति है उनके साथ जो दल में हुआ, भाई उनकी शिकायत है कि दल ने उनको दरकिनार किया, दल का कहना है उन्होंने दल को दगा दिया जी। तो ये एक तरफ चाचा हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अब एक तरफ हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जो उनके चाचा भी हैं, कहीं रिश्ते भी हैं, कहीं दल भी है, कहीं मनुहार भी है, कहीं कुछ पा लेने की ललक भी है जी। तो मुझे लगता है कि शिवपाल यादव के पास अब समय नहीं बचा था, क्योंकि वो समझ गए थे कि समाजवादी पार्टी में उनको अब कोई जगह मिलने वाली नहीं है, तो उनको उसी सेक्युलर मोर्चे को सार्वजनिक घोषणा करनी थी। आपको याद होगा पिछले दो दिन से लोहिया ट्रस्ट में लंबी बैठकें हुई है उनकी और मुलायम सिंह के साथ जी। जो खबरें छन कराई हम लोगों तक वो यही था कि शिवपाल चाह रहे थे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम सिंह भी रहे, और संभवतः उन्होंने मना कर दिया, इसलिए शिवपाल जी को आज अलग से ये कहना पड़ा कि मैं ये सेक्युलर मोर्चा बनाता जी। अब देखिए, अब क्योंकि समाजवादी पार्टी में लंबे समय से जुड़े रहे हैं शिवपाल यादव, संस्थापक लोगों में से रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो एक अलग मोर्चा बनाते हैं जिनके लिए वो कह रहे हैं कि समाजवादी जो नाराज है वो हमारे साथ जुड़ जाएं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए तो असुविधा उत्पन्न करेंगे जी। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी ये सही बात है कि वो टिकट पर जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के लड़े थे, लेकिन कई ऐसी सीटें थी जिसके बारे में हम लोगों को भी जानकारी थी कि जहां उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने का काम किया था, उनके खिलाफ काम किया था, हार जीत तो अलग बात है जी। तो वो ये प्रयास तो करेंगे कि वो अंततः समाजवादी पार्टी को कमजोर करें, लेकिन वो जाएंगे किसके साथ? उनके पास विकल्प भारतीय जनता पार्टी का है जी। अब वो उन्होंने एक सेक्युलर नामधारी मोर्चा बनाया है जी। तो सेक्युलर दलों का भाजपा से बड़ा वितराग रहता है, तो वो कैसे जाएंगे ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो उनको तो सहयोगी दल के तौर पर वही मैं कह रहा हूँ कि अब वो रास्ता क्या तलाशे हैं, क्योंकि देखिए चुनौती शिवपाल यादव के सामने भी है। इसको यूं समझिए कि ये जो विपक्ष के गठबंधन बनने की बात उत्तर प्रदेश में हो रही है सपा और बसपा का जी, अगर ये गठबंधन बाकी बन जाता है जी, तो ये सीधी लड़ाई भाजपा बनाम उस गठबंधन की होगी जी। उसमें शिवपाल यादव का मोर्चा क्या करेगा जी,
है ना, वो अगर इस गठबंधन में आता है तो यहाँ समाजवादी पार्टी होगी, बिल्कुल वरना उसको भाजपा की तरफ जाना होगा। तो संकट उनके सामने भी है। जगदेव जी, समाजवादी पार्टी की चौखट से शिवपाल यादव ने बाहर पैर रख दिया है, कोई उम्मीद है कि अभी अंदर वापस आ सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है जी कि राजनीति में एक दबाव की राजनीति प्रेशर टैक्टिक्स होती है जी, तो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए स्थिति ये हो सकती है। लेकिन अभी जैसा नेताजी का जहां तक कल भी मैं उनसे मिला था, नेता वाली बात हुई थी जी, वो पूरा आशीर्वाद उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को है जी, माननीय अखिलेश यादव को है, और अखिलेश यादव ने ऐसे नहीं राजनीति शुरू की, इससे पहले सांसद थे, साइकिल चले जाता कि पूरा संघर्ष किया है तब राजनीति में आए, और जो पांच साल उन्होंने शासन किया है प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में, लोग विरोधी भी उनकी तारीफ करते हैं, उनके खिलाफ आज भी किसी कोई नुक्ताचीनी करने की, कोई आरोप लगाने की स्थिति नहीं बनी है। जिस तरह से ईमानदारी से उन्होंने काम किया, विकास काम किए और जनहित में काम किए, लोग प्रशंसा करते हैं, लोकप्रियता उनकी बड़ी है, लोकप्रियता तो बड़ी है, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। नहीं नहीं, जनता देखिए, मैं तो कह रहा हूँ जनता ने स्वीकार नहीं किया, वो तो भारतीय जनता पार्टी के चलते, भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या, तमाम सपा के, तमाम बसपा के, तमाम कांग्रेस के लोगों को तोड़ करके जगह दे दिया। हमारा प्रश्न है हमारा जी जी, आप ये बात कहने के बजाय कि हमने जो कुछ किया जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया, ये कहने के बजाय आप ये क्यों कहते हैं कि भाजपा ने जो झूठ बोला उसको उसने स्वीकार कर लिया? सही बात ही, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब जिस झूठ को आप झूठ कहते हैं, क्या जनता इतनी भोली है, 70 साल का हमारा लोकतंत्र इतना अबोध है कि वो किसी के झूठ को स्वीकार करेगा? चुनाव में जो विकास काम अखिलेश जी करे थे उस पे लोगों ने नहीं किया, और वो जो शमशान, कब्रिस्तान, तला, इस तमाम सारे इशू ले आए, और यहां तक कि मोदी जी को मैंने सुनाया साहब यादव नाराज है, मुसलमान नाराज, इस जातिवादी शब्द में देश के प्रधानमंत्री ने बोला, कई मीटिंग बोला इसमें, तो जो जाति का ध्रुवीकरण किया, जो जातिवाद की राजनीति की, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित अति पिछड़ा, और उसमें हम निश्चित मानेंगे कुछ पारिवारिक लड़ाई का भी असर रहा है, या बिल्कुल नहीं हम इग्नोर कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो हालात हैं, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस तोड़ी, बसपा तोड़ी, सपा तोड़ी, सारे लोग ले दिया, अभी एमएलसी छह तोड़ दिए वो, और हास्य क्या हो रहा है, अब जनता देख रही है, मुख्यमंत्री हार गए पांच पांच बार है, डिप्टी सीएम हार गए, कैराना नूरपुर, आप लोग समझ गए असलियत क्या है, तब इनके धोखे में आने वाले नहीं है। हमें तो लग रहा है कि सपा और बसपा असलियत, और जो एक खल नायक नहीं करेंगे तो बीजेपी हरा, और जो खल नायक का रोल हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने अमर सिंह को साथ ले लिया है, उनको सारी सिक्योरिटी दे दी है, उस वजह से हो रहा है, और समझता हूँ ये गुमराह करके जो पार्टी को तोड़ने की बात हो रही है, समय कम है, थोड़ा समय कोई मिलने वाला नहीं, सारी जनता, सारा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी एक झूठ है, कोई नुकसान होने वाला नहीं। दोबारा इन्होंने खुल करके कहा अमर सिंह के सहारे आप इनकी जो सेकुलर फैमिली है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, चुनाव की बात कर रहे थे, सारे चुनाव तो ये हारे हैं, और इनके नेता और हमसे हारे यूपी में, पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, दोनों लोग ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं सच्चाई। जो पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पिता का नहीं हुआ, अपने अपने चाचा का नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश की जनता का क्या होगा? आज अखिलेश अरे मोदी जी ने जो जिन्होंने बताया और उन्होंने कहा, आडवाणी जी ने बताया था उत्तराखंड में, अटल जी निकाल रहे थे उनका नहीं हुआ, उनको राजपथ में धोखा दिया, आप अनावश्यक क्या बात करते हैं, आपके पार्टी तमाम है, आप मुलायम, आज क्या स्थिति है, आज क्या स्थिति है अडवाणी जी की, पार्टी संस्थापक है, नहीं हो रही है, उस पर आप क्यों नहीं जवाब दे, नौ साल बीमार रहे प्रधानमंत्री, कितनी बार देखने गए, आज उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, कैसे लोगों की बात करते हो आप? वो कहते हैं कि मुझे समाजवादी पार्टी इस्तेमाल नहीं कर रही है, आप इस पर सारे पुराने नेता जसवंत सिंह सिन्हा, सारे लोग गठबंधन की बात कर रहे, अरुण सौरी क्या लोग कह रहे हैं, उनको आप क्या बोलते हो? समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस की सारी पार्टी हो गई, इनको आज गठबंधन दिख रहा है, 2017 में इन्होंने गठबंधन करके लड़ने का काम किया था, कांग्रेस हाशिए पे है, दहाई का आंकड़ा इनके विधायक नहीं पार कर पाए, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी और यही अमर सिंह जी आज समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल, दोनों लोग सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर भोजन में आमंत्रित किए गए थे और गेट से सोनिया गांधी ने इनको वापस कर दिया। समाजवादी पार्टी एक तरफ समझौता करती है, दूसरी तरफ उनके साथ चुनाव लड़ने की बात करती है और विरोध करती है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कांग्रेस के साथी से, विकास के आधार पर हम चुनाव लड़े थे, विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, आपने 60 साल देश को धोखा दिया है,
आपने 60 साल देश को धोखा दिया है, नौजवानों को धोखा दिया है, 4 साल तो आप देख लीजिए। बिल्कुल, गरीबों के खाते, गरीबों के उज्ज्वला गैस के कनेक्शन, लोगों को आवाज, किसने मना किया था कि आप गरीबों के खाते बैंकों में नहीं खुलने चाहिए? और रही बात मैं इतना जरूर सलीके से कहना चाहता हूँ, मैं इतना जरूर सलीके से कहना चाहता हूँ, सुनने की आदत डालिए बस, ठीक। आपके नेता देश के अंदर और देश के बाहर भी दूसरे की नहीं सुनना चाहते हैं, समीर जी उस विषय पर भी आए, लेकिन मेरा इतना जरूर कहना, ये चर्चा जिस विषय पर है, अखिलेश यादव जी, वही केंद्रित रहने दो, अखिलेश यादव जी को अपने समाज में सामने आके झूठ बोलने के बजाय शिवपाल यादव की जो समाजवादी पार्टी तो की तपस्या है, अखिलेश कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आप गलत बयानी करते हैं, गलत बात करते हैं, मुलायम का जो झूठ बोलने काम भारतीय जनता पार्टी करते हैं, गलत बयानी ये करते हैं, जनता धोखा ये देते हैं, झूठे लोग क्या झूठी बात करेंगे? जवाब देना चाहिए अखिलेश जी का, व्यक्तित्व पूरा जानता है, पहले तो आज लोकप्रियता में बहुत आगे है। देखिए, पहले तो बीजेपी के साथी जो बार बार 60 साल 70 साल पहले ये खुद नहीं तय कर पाते, कुछ इनके नेता 70 साल कहते हैं, कुछ साल आप ज्ञानी मत बनो, बोल रहे थे आप ज्ञानी मत बनो, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, पहले आप बोल रहे थे चुप हो जाइए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, आप चुप हो जाइए, अंशु जी बात कहिए, अपनी बात कहिए, बात कहिए, मैं आपको ये बता दूं, चैनल पर ज्ञान मत बांटो, कभी 70 साल कहते, कभी 60 साल, कुछ कोई बात नहीं, 60-70 साल, 60 भी हुआ है, 70 पहली बात ये कि बीजेपी के साथी को अपने नेताओं को तो कम से कम फॉलो करना चाहिए, सुषमा स्वराज यूनाइटेड नेशन में जाके 50 साल के इतिहास गौरवशाली 50 साल के गौरवशाली अंशु जी, विषय जो है विषय है, विषय है, विषय है, मोदी जी इसरो में बैठकर और भारत को जादू टोना का देश बताते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेंगे क्या? आप भी लड़ोगे इटली में चुनाव? दूसरी जो सबसे बड़ी बात, फ्रांस और जर्मनी में चुनाव लड़ लेना, असली बात ये है, इनको आज देश को 49 महीने में जनता को जवाब देने का समय है, विषय नहीं है, अंशु जी विषय पे आइए, देखिए आप इस राष्ट्रीय समीर जी, समीर जी बहुत बहुत कम समय है, बहुत कम समय है, बहुत कम समय है, बहुत कम समय है, आप जितने दिन में उम्र हो जाए, जितना झूठ बोला मैं राजनीति कर रहा हूं, समीर जी बहुत बहुत कम समय है, अपना ज्ञान अपने पास रखिए, रंजीत जी, रंजीत जी, इस हम कोई तथ्य निकल करके, असल में सब लोग साथ बोलना चाहते हैं, राजनीति चैनल पर बैठ के बातें करिए, हम अपने मौके बोलिए, चैनल पर भी डराने का काम करेंगे, नहीं नहीं नहीं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, एक मिनट नहीं, ये बराबर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोल कितना बोलेंगे भाई, मुद्दों पर बोलने के बोलने के अलावा है कुछ, इनके पास बोल बोल के बेरोजगारी के थक गई है, देश में गलत बात बयान करते हैं, बेरोजगारी ऊपर इनके पास जवाब नहीं, अच्छा रंजीत जी जो पूरा उत्तर प्रदेश में 17 महीने में आपने कहा, अंशु जी विषयांतर मत कीजिए, डिबेट को इस तरीके से विषयांतर मत कीजिए, देखिए ये बार बार सरकार की बात कहीं और मत ले जाइए, इनको ये पता नहीं कि 70 साल से देश को हमारे विषय को खींच के कहीं और ले जाना चाहिए, 18 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, अंशु जी रंजीत जी कहां पर है, भारत के लोग जो परिदृश्य हो चुका है, अरे समीर जी थोड़ा धैर्य रखिए, पढ़ लिख के आया करिए, मैं फिर अंशु जी आप भी धैर्य रखिए, आपके नेता, आप धैर्य रखिए, नेता संयुक्त राष्ट्र में जाकर, सुनिए हम संयुक्त राष्ट्र की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, अंशु जी बात करते हैं, हम संयुक्त राष्ट्र की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जाके कहते हैं विश्व में अंशु जी विषयांतर करेंगे, ये गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है, विषय को आप नहीं और लेकर जा रहे हैं, जो अपमान देश का मैं किया तो ये कहता हूँ, क्या अपमान किया भैया, आज के नौजवानों की बात की, महिलाओं देखिए अंशु जी, आप भारत खो रहे हैं, साथी समीर जी हम आपसे निवेदन करेंगे, आप अंशु जी, अंशु जी देखिए हमारी डिबेट को डिरेल मत कीजिए, देखिए हमारी डिबेट को डिरेल मत कीजिए, मैं निवेदन करूंगा, मेरी डिबेट को 70-60 साल की बात, सुन लीजिए रंजीव जी, जो परिदृश्य उभर करके सामने, शांत हो जाए, समय नहीं है, जो परिदृश्य सामने उभर करके आ रहा है, 2019 के आम चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी यहाँ के एक प्रमुख दल है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी प्रमुख दल है, कांग्रेस भी है, लेकिन जिस तरह से धारदार एक विपक्ष की भूमिका तैयार करने की कोशिश चल रही थी, उसमें शिवपाल सिंह कितना रोड़ा हो जाएंगे, ये मैं जानना चाहता था।
देखिए एक कोई भी अंश अगर किसी दल का टूटता है तो वो रोड़ा तो बनेगा, बनने का प्रयास भी करेगा, लेकिन कितना बड़ा रोड़ा बनेगा ये कुछ घटनाएं होनी है जिसका हमें इंतजार करना है। जैसे आज दोपहर में उन्होंने नया मोर्चा बनाने की घोषणा की है जी। तो अभी तक शाम के अब 7 बजने जा रहे हैं जी। अभी तक ऐसा कोई बड़ा चेहरा या नाम नहीं आया है जिसने उनके मोर्चा बनाने का समाजवादी पार्टी के अंदर से समर्थन किया और कहा है कि हम उनके साथ आ जाएंगे जी। तो हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि दरअसल उनके साथ कितने लोग समाजवादी पार्टी के जुड़ते हैं, बड़े लोग। दूसरी चीज, लेकिन एक चीज तो ये तय है कि एक साल से शिवपाल यादव, जैसा कि आपने कहा, सेक्युलर मोर्चा को लेकर के आ रहे हैं जी, उनके साथ पीछे विधायकों का या पार्टी के लोगों का पूरा मदद होता तो शायद साल भर ना लगता। नहीं लगता, मैं यही बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो छोटे दलों को जोड़ेंगे। मैं फिर अपनी उस बात को दोहराऊंगा कि जब उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक लड़ाई बनती हुई दिख रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ संभवतः सपा बसपा का गठबंधन होगा जिसमें शायद कांग्रेस रालोद भी हो, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जो छोटे दल जो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इस बड़े गठबंधन के साथ जुड़ना चाहेंगे, वो किसी सेकुलर मोर्चा से नहीं जुड़ना चाहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी शिवपाल सिंह यादव जी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो भी एक ताकत है उनका मोर्चा, और जिससे लोग उनसे आकर के जुड़े, तो बिल्कुल, बड़ी चुनौती है उनके सामने। हम सिर्फ 30 सेकंड समय हमारे पास है, सबको 30-30 सेकंड देंगे। समीर जी आप बोल दीजिए जो कहना चाहते हैं। देखिए मैं पहले भी कह रहा था जी कि ये निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी का गैर जिम्मेदाराना बयान है, जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, उनके प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं। उनको शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके पिता हैं, उनके चाचा हैं, उन लोगों ने उनको बड़ा किया, उनको राजनीतिक अंतर कला, उसका जवाब उनको उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। मैं तो ये कहूंगा कि निश्चित रूप से इस तरीके की समस्याएं हर राजनीतिक दल में होती हैं, आने वाले समय में दूर हो जाएंगी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं, जो उन्होंने वादे किए हैं उत्तर प्रदेश के लोगों से, उसके उसको लेकर इसको जवाब सुन ले। उत्तर प्रदेश के लोगों से वादा इन्होंने किया था कि हम नारियों को सुरक्षा देंगे, उत्तर प्रदेश में बलात्कार अपराध चरम पर, आज सरकार ने माना है, आज सरकार ने विधानसभा के अंदर माना है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा, निश्चित तौर से इसको इस बात की जवाब हमें। देखिए आपको याद होगा रणनीति के तहत ये कार्रवाई हो रही है। मैं समझता हूँ सारा समाजवादी पार्टी एक है, सारा राष्ट्रीय नेतृत्व के उसमें है, और जो लोकप्रियता उपचुनाव हुए हैं, गोरखपुर हुए, कराना हुआ, फूलपुर हुआ, जो चुनाव हारे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो लोकप्रियता हासिल की अखिलेश यादव इससे चिढ़ करके परेशान होकर इसके घबराहट दहशत में इस तरह का कदम भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं, और इनको एक षड्यंत्रकारी आदमी मिल गया है, षड्यंत्रकारी मिल गया है, उसके बाद में करना चाहते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नेताजी के रहते पार्टी का विभाजन नहीं होगा, पार्टी में टूट नहीं होगी, और नेताजी का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सारे मामले कोई स्थिति होने वाली नहीं है, समाजवादी है, और हमारे राष्ट्रीय नेता का जितना नेतृत्व आगे बढ़ा उसमें कोई स्थिति नहीं है। जिस तरह से आज जन्माष्टमी के साथ है, आज का राजनीतिक घटनाक्रम रहा है, आज का जो कुछ भी समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बयान दिया है, इसकी पृष्ठभूमि सालों पहले तैयार हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी अपनी इसी पृष्ठभूमि के साथ 2019 में किस तरह से मुकाबला करेगी ये देखने वाली बात होगी, और आने वाले समय में राजनीति के इस तरह के लटके झटके और भी देखने के लिए मिलेंगे। कल किसी और विषय पर आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।